या तो आगे बढ़ने के लिए कुछ मखसूस नौजवानों का एक तबका चाहिए, एक मखसूस उलमा का तबका चाहिए, नताइज से बिल्कुल बेपरवाह होकर इस सिलसिले में काम करें, तब नताइज मुरतब होंगे। और जब तक हमारे अंदर अपने छोटों को आगे बढ़ाना ये जज्बा नहीं आएगा, और छोटों के अंदर ये जज्बा नहीं आएगा कि ये हमारे बड़े हैं, इनकी कदर का दानी करनी ज़रूरी है, मैं नहीं समझता कि कुछ नताइज। और हमारे MLA जो हैं, जब नामिनेशन के लिए गए थे तो जाने से पहले मैं उस वक्त एहतिकाफ में था, मैं मस्जिद में आकर वो बाकायदा बोले कि मैं पहला मेरा काम, क्या कितना भी खर्चा हो जाए, पहला मेरा काम जितने अंदर उनको बाहर लाऊंगा। घर के लिए मैसेज ये है कि अगर नबी भी रहे बाप फायदा नहीं, माँ अच्छी हो, अगर माँ सही रही तो अक्सर बच्चे सही हो जाते हैं। अब हमारा काम क्या है, सोशल वर्कर जो हजरात हैं, जैसा ये आपने बताया था इदारे बहुत से खुले हैं, वो इदारे और रिहैब सेंटर हैं, उन लोगों को जोड़कर उलमा की नसीहतों से काम किस अंदाज से करना है, वो हमारी मुहिम रही, वो प्लान रहेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बेंगलोर, इस्लाही माशिरा, घरेलू तशद्दुद और आज के नौजवान जो नशे के आदि बन चुके हैं, इसको लेकर मौलाना ज़ैनुल आबिदीन की सदारत में सद्भावना यूथ वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से एक प्रोग्राम NAS शामपुर मेन रोड में मुनक़िद किया गया, जिसमें तमाम मसलक के उलमाए किराम ने शिरकत की और माशरे में बढ़ती हुई नशे की बुराई को लेकर सब अपनी राय पेश की। आखिर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सद्भावना के ज़िम्मेदार सादिक साहब ने इस प्रोग्राम की तफसीलात फराहम की हैं। घरेलू तशद्दुद से मुतालिक कई बातें सामने आईं, आवाज़ें तो उठती बहुत हैं लेकिन उसका तसलसल बरकरार नहीं रहता, क्या लाए अमल होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी अपनी ज़ाती राय यह है, जिस तरह अय्याम हज में या अय्याम हज से पहले हाजियों की बाकायदा तरबियत की जाती है, किस तरह एहराम बंधा जाए, किस तरह तलबिया पढ़ा जाए और क्या क्या उसूल हैं, मुस्तकिल तरबियत की जाती है। और हज के अय्याम से बहुत पहले, तकरीबन 2-2.5 महीने पहले, पूरे कर्नाटक में तरबियती कैंप्स होते हैं, उलमा जाते हैं, मुस्तकिल मेहनत करते हैं। इस तरह अगर दूल्हा दुल्हन उनके ज़िम्मेदारों को बुलाकर जब तक उनकी जहन साजी नहीं की जाएगी, मर्द को ये नहीं बताया जाएगा कि औरत पर हाथ उठाना जुर्म है, औरत पर वही हाथ उठाता है जो मर्द नहीं होता, ये उनके अगर जहनों में बिठाया जाए, तरबियत की जाए, माँ का हक क्या है, बीवी का हक क्या है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे असरात नताइज इस पर मुरतब हो सकते हैं। घरेलू तशद्दुद के नाम पर जगह जगह दुकानों की शक्ल में इदारे कायम हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मोहतरम नफीस साहब, मैंने पहले ही कहा कि इस तरह आप सवालात मुझसे मत करें, शहर में मुझे जीना है। जब ये सवाल आप कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बहैसियत सहाफ़ी, आपने अपना क्या किरदार निभाया है इन तंजीमों और इदारों के बारे में? पूरे शहर किरदार एक अहम किरदार होता है, बिलखसूस ऐसे मसाइल में खुलकर आना चाहिए, बातें आवाज़ें ये सिर्फ मखसूस अइम्मा तक महदूद नहीं है, हर मस्जिद से आवाज़ उठनी चाहिए, मसाजिद की सद तक कामयाब हैं आवाज़ उठाने में। मसला ये है कि वो तंजीमें हों, मिल्ली तंजीमें हों, समाजी कारकुन हों, सियासी शख्सियात हों, या तो आगे बढ़ने के लिए कुछ मखसूस नौजवानों का एक तबका चाहिए, एक मखसूस उलमा का तबका चाहिए, नताइज से बिल्कुल बेपरवाह होकर इस सिलसिले में काम करें, तब नताइज मुरतब होंगे। और जब तक हमारे अंदर अपने छोटों को आगे बढ़ाना
ये जज्बा नहीं आएगा, और छोटों के अंदर ये जज्बा नहीं आएगा कि ये हमारे बड़े हैं, इनकी कदर का दानी करनी ज़रूरी है। मैं नहीं समझता कि कुछ नतीज किसानों की रोकथाम के लिए, जिस तरह व्यापारियान एक मिसाल बनकर उभरा था घरेलू तशद्दुद के मसाइल पर रोकथाम के सिलसिले में, हर मस्जिद में इस तरह अइम्मा की ज़ेर निगरानी, उलमा की ज़ेर निगरानी एकदम अपनाने के लिए क्या लायअमल तैयार किया जा सकता है? मस्जिद की कमेटियों की जहन साजी होनी चाहिए। मेरी ज़ाती राय है कि हर कमेटी में एक आलिम को रखा जाए। समझ में नहीं आया मुझे आज तक पूरे कर्नाटक में एक मस्जिद में एक आलिम नहीं है। क्या खौफ है मुझे नहीं समझ में आता, क्यों नहीं रखा जाता? एक आलिम को रखेंगे वो आपकी कम से कम रहबरी करेगा। आपके ख़ानदान का आलिम रखिए, आपके महल्ले का आलिम रखिए, आपकी गली का आलिम रखिए, मसाइल तो बताएगा। उलमा को लेते ही नहीं कहीं भी। शहर में इतनी तंजीमें हैं, इतने सारे इदारे हैं, एक दो उलमा का नाम आप बताएं मुझे जो इदारे में हो। सीएम ये निस्वान, बहुत सारे इदारों के नाम है, मैं लेना नहीं चाहता। घरेलू तशद्दुद के अलावा एक बात ये भी सामने आई, बिलखुसूस डीजे हल्ली केजी हल्ली के मामलात पर आपकी ज़ेर निगरानी बाकायदा एक वफ़ की तश्कील हो और वहाँ सियासी कायदीन को मदऊ किया जाए, क्या लाया अमल हो सकता है? इंशाल्लाह कोशिश करके, जैसा कि संपत राज साहब ने कहा कि वो बाकायदा तआवुन करेंगे, तो इंशाल्लाह उनके उनको सामने रखकर, वो हैं जाकिर साहब हैं और हमारे एमएलए जो हैं, जब नॉमिनेशन के लिए गए थे तो जाने से पहले मैं उस वक्त एहतिकाफ़ में था, मैं मस्जिद में आकर वो बाकायदा बोले कि मैं पहला मेरा काम, चाहे कितना भी खर्चा हो जाए पहला मेरा काम जितने अंदर उनको बाहर लाऊंगा, ये वादा किए हैं। उसके ताल्लुक से अंदर से काम हो रहा है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो काम जल्द से जल्द हम देख लेंगे, नतीजा जल्द देखेंगे। जो बातें अब तक खुलकर सामने आई, क्या अड़चने हैं, क्या रुकावटें हैं रिहाई के सिलसिले में, अब तक जो काम हुआ है क्या मंजर पर आया? नहीं, वो असल में ये कोर्ट का मसला है ना, तो कोर्ट से जो है उनका एक कोर्ट कैंसिल हुआ, तो फिर हाई कोर्ट को गए, फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट को गए, फिर वहाँ से भी कैंसिल होने पर फिर जो है दोबारा लोअर कोर्ट में डाले हैं, तो उसके बाद हाई कोर्ट में डाल के इंशाल्लाह। सबसे बड़ा मसला एनओसी से मुतालिक आ रहा है, जो एडवोकेट डॉमिनेट हो गए हैं, ऐसी बातें खुलकर सामने आ रही नहीं आ रही है? बातें आ रही है, लायरों से मुलाकात हुई हमारी अंजुमन खुदा उस्मीन की तरफ से, मैं अब्दुल खादिर साहब, तफीमुल्ला मारूफ साहब, एजाज वगैरह सब गए थे, हमारे इशरतुल्ला साहब के इसके सामने खादरिया के सामने जो है ऑफिस, वहाँ गए थे तो सब पूरे बैठे थे, तो बोले नहीं हम काम कर रहे हैं, काम होगा इंशाल्लाह, बोले अब इसे यूनिवर्सिटी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सबसे पहली चीज़, ये बड़ा अहम मसला है और बड़ा संजीदा मसला है और हमारी कौम के लिए बहुत शर्मिंदगी वाला मसला है कि सबसे ज़्यादा इस वक्त इस लत में हमारा नौजवान है। अब रहा मसला कैसा निकालना है, तो सबको मिलके काम करना है। एक पानी का बोतल है, उसमें 5 सुराख पड़े हुए हैं जी। अगर कोई मुझसे सवाल करे कितने सुराखों को बंद करें तो पानी अंदर रुकेगा, मैं कहूँगा 5 भी बंद करना है। सबको मेहनत करना, उलमा को जुमा में मेहनत करना है, जो बाकी जो लोग हैं सोशल वर्कर उनको अपने तरीके से मेहनत करना है, माँ बाप को घरों में मेहनत करना है, स्कूल में टीचरों को मेहनत करना है। सबसे बढ़कर ये जो लत मिलती है, दोस्ती किससे हो रही है इस पे अगर निगाह रखी जाए तो फिर इंशाल्लाह मसले एक हद तक हल हो जाए। उन घरों वालों के लिए क्या मैसेज रहेगा? घर के लिए मैसेज ये है कि अगर नबी भी रहे बाप फायदा नहीं है, माँ अच्छी होना है। अगर माँ सही रही तो अक्सर बच्चे सही हो जाते हैं। जैसे नूह अलैहिस्सलाम नबी थे, बेटा ख़राब हो गया इसलिए कि बीवी ख़राब थी। माएँ अगर घर में ज़रा मेहनत करें अक्सर बच्चे सही हो जाते हैं, खासकर बच्ची जी। स्पीच के दौरान मौलाना एक मेडिक जो ये टैबलेट्स वगैरह सप्लाई करते हैं उन लोगों का भी तस्करा किया आपने? बिल्कुल जी, बिल्कुल। उसके बारे में, ये जो लोग मेडिकल में बेचते हैं उनकी भी औलाद है, अगर उनकी औलाद ये टैबलेट वगैरह के आदि बन जाए
नशे की आदि बन जाए उन्हें अच्छा लगेगा? वो अपनी औलाद समझकर ऐसे बच्चों को देने से बंद करें, एक हद तक ये रुक सकता है, मगर ये जड़ से नहीं निकल सकता। जड़ से निकलने के लिए आपको काम जड़ से करना पड़ेगा, शुरू से करना पड़ेगा इंशाअल्लाह तब। और एक अहम चीज़ है, कुरान में अल्लाह ने कहा है इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशा वल मुनकर, और मुझे मेरे रब के कलाम पर यकीन है नमाज इंसान को गुनाहों से और बेहयाई के कामों से रोकती है। ये बच्चों को नमाज का आदि बनाओ इंशाअल्लाह, हो सकता है ये ड्रग्स छोड़। बार बार ये बातें सामने आ रही हैं, ये सी श्रीनिवास की जानिब से जब इलेक्शन के मौके पर पहला मामला डीजे हल्ली रिलेटेड उठाया जाएगा, लेकिन आज तक ये सी श्रीनिवास की सिर्फ बातें हो रही हैं, प्रैक्टिकल फील्ड में कोई काम नहीं हुआ है, ये इल्ज़ाम है। आप ग्राउंड लेवल पर क्या देख रहे हैं? नहीं, अब ए सी श्रीनिवास जीतने के बाद असम्बली में बहुत बार बात की है, जो आज हमारा सादिक साहब ने ड्रग्स के बारे में जो मीटिंग की है उसका सब्जेक्ट में भी असम्बली में बात की है, पानी का मसला के बारे में बात की है, और जो भी कोर्ट मैटर है वो भी उन्होंने हमारा बड़े गुरुजी के साथ बैठ के बात करके, एडवोकेट्स के पास बैठ करके कानून के तरफ से कैसा काम करना करके कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। तसल्ली की बातें तो बहुत हुई, डीजे हल्ली से रिलेटेड ड्रग्स के मामले पर बात हुई, और बार बार ये बताया जा रहा है कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी इस मामले में इन्वॉल्व है, तो यहाँ क्या कम्युनिटीज़ को डिवाइड किया जा रहा है? क्या कोई दूसरा कम्युनिटीज़ दूसरे इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है? नहीं नहीं, ये तो वो कम्युनिटीज़ पर कितने लोगों का फेस किया गया और उन लोगों से क्या मामले पर बात? नहीं, ये जो गलत तरीका से थोड़ा बच्चे लोग जो जाते हैं हर कम्युनिटी से जा रहे हैं, इट इज़ नॉट वन कम्युनिटी, हर कम्युनिटी से जा रहे हैं हम, तो जो भी बात कर रहे हैं हम जो बात कर रहे हैं हर कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। जब मैं बात करने का टाइम मैं खुद बोला, मेरा पिताजी ने एक इंस्पेक्टर को मेरे को फॉलो करना करके बोले, मैं भी एक हिंदू हूँ। सो हर कम्युनिटी का है, हर कम्युनिटी अच्छा रहना चाहिए। पहला चीज़ है हम सब इंडियंस हैं, हम सब जो हमारा देश निवासी और हमारा बेंगलुरु सिटीजन के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर ऑल ब्रदर्स एंड एक कम्युनिटी का हम सोच रहे हैं। दूसरी कम्युनिटीज में क्या काम हुआ उसको मॉडल बना के डीजे हल्ली जैसे इलाके में काम करने के लिए? आप देख सकते हैं फ्रेजर पुलिकेशी नगर में फ्रेजरटोन है, फ्रेजरटोन वार्ड है ना, 78 वार्ड, वो दूसरा वार्ड से डेवलपमेंट में अच्छा है, ऐसा ही डेवलपमेंट हर जगह करना चाहते हैं करके हमारा हृदय। जब एक कॉन्स्टिट्यूंसी है तो फ्रेजरटोन की पोजीशन अलग, डीजे हल्ली की पोजीशन अलग क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन उधर कम है, 78 पुलकेशन नगर वार्ड में पॉपुलेशन कम है, इधर 1:20 पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन ज़्यादा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये अक्कूपत्रा, वो अक्कूपत्रा किसी को हमारा डीजे हल्ली में नहीं मिला अब तक, ये ऑर्डिनेंस हुआ असेंबली में, वो जब तक वो अक्कूपत्रा नहीं मिलेगा वो लोग ने उनका घर तोड़ के बड़ा घर बनाने में डर रहे हैं, क्योंकि एक बार तोड़ दिया तो प्लान सैंक्शन नहीं है, ये नहीं है करके वो बहुत तकलीफ़ है, क्योंकि स्लम बोर्ड में थोड़ा पेपर है, बीडीए में थोड़ा पेपर है, हम बहुत कोशिश करके हमारा डीजे हल्ली वार्ड में तो बहुत लोगों का हक पत्र हम दिलाए। साहब स्लम बोर्ड का इशू अपनी जगह, उसके अलावा कुछ सिविक इशूज़ होते हैं, वाटर पानी हर किसी की ज़रूरत है, सड़कें हर किसी की ज़रूरत है, ड्रेनेज हर किसी की ज़रूरत है, तो फ्रेजरटोन का ड्रेनेज डीजे हल्ली के ड्रेनेज से डिफरेंट, रोड्स का इशू वहाँ का डिफरेंट, तो ये तमीज़ क्यों की जा रही है? ये डिफ्रेंसिएशन नहीं होना चाहिए, बट थोड़ा जगह में जो स्लम का इलाके हैं, मेयर भी रहे हैं जो इलाके में है, उधर जब पॉपुलेशन ज़्यादा रहता है 1:20 है, कहाँ एक जगह रहना है उधर 20 लोग रह रहे हैं, वो थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है। इसीलिए हम रोशन नगर में आप देख चुके हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाए हैं, हमें जो 200 स्क्वायर फीट में जो लोग थे, 150 स्क्वायर फीट में लोग थे, उनको 400-500 स्क्वायर फीट का घर बना के कर चुके हैं। और आप जो बात बोले करेक्ट बोले, हर कॉन्स्टिट्यूंसी एक ही टाइप रहना चाहिए, हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, हर आदमी को उसका हक है, वो हक मिलना चाहिए, ज़रूर मिलेगा, हम सब कोशिश करके काम करेंगे। अगर बोल रहा हूँ आज के प्रोग्राम में कई मशवरे भी उभर कर सामने आए, इलाकाई सतह पर एक एक सामाजिक कारकुन एक लीडर की निगरानी में इन मसाइल पर कंट्रोल करने के सिलसिले में, तो इस सिलसिले में क्या अगला एकदम? तो आज का ये प्रोग्राम रहा, ये खेजे हल्ली डीजे हल्ली दो हलके को मिलाकर रखे हैं,
और जो घरेलू तशद्दुद का पहले शुरुआत घरेलू तशद्दुद के बारे में फिक्र करे थे, बाद में ये जो शुरू हो रहा है तशद्दुद शुरू हो रहा है कहाँ से बोले तो ड्रग्स से, अब नया जो ये हो रहा है तो वो भी फिक्र लेके साथ में एक प्रोग्राम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम कामयाब रहा। अब ये 10-12 साल पहले हमें घरेलू तशद्दुद हर इलाके बेंगलुरु शहर या कर्नाटक में मुहिम चालू करे थे, किसी इसके ऊपर हमें रोक दिए थे। अब हमारा काम क्या है, सोशल वर्कर जो हजरात हैं, जैसा ये आपने बताए थे इदारे बहुत से खुले हैं, वो इदारे और रिहैब सेंटर हैं, उन लोगों को जोड़कर उलमा की नसीहतों से काम किस अंदाज से करना, वो हमारी मुहिम रही, वो प्लान रहेगा। हर इलाके में करेंगे, उसमें रहेंगे सोशल वर्कर हजरात भी रहेंगे, अलग अलग हिसाब से जो खिदमत कर रहे हैं वो हजरात भी रहेंगे, ड्रग्स के ऊपर काम कर रहे हैं वो हजरात भी रहेंगे, यानी कि ये इसमें आके मदावतें भी रहेंगे, उनको भी बुलाएंगे। ये सारे जो हमारा जो माशरा बिगड़ रहा है, कहाँ से उसकी ये शुरू हो रही है, उसका जो ये कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं, उन लोगों को जमा कर हर इलाके में एक प्रोग्राम हम रख के बेदारी लाना चाह रहे हैं, अवेयरनेस लाना चाह रहे हैं। सदी भाई, जिस तरह का आज प्रोग्राम मुनाकिद हुआ उसमें बिलखसूस नशे से मुतालिक, ड्रग्स से मुतालिक बातें हुई, और जो लोग ड्रग्स में मुब्तला हैं ऐसे लोगों को लाकर उनके सामने काउंसलिंग की बजाय ऐसे क्रीम तबके को लाया गया है जो बिल्कुल ड्रग्स से दूर है। नहीं नहीं, ये माँ बाप को बुलाएं, ये फिक्रमंद लोगों को बुलाकर हैं, तुम क्या करना है, वो मैसेज पहुंचाने के लिए तुम क्या करना है। अब उनको लाके बिठा के एकदम सडन कुछ भी मालूम नहीं था, हमें पूछने लगे तो क्या बोलेंगे, उस सिलसिले में क्या वो असर नहीं हुआ। अब वही यही मुहिम है हमारी कि बेदारी लाना है, कौम में बेदारी लाना है, यानी कि कौम की जो गंदगी, कौम के अंदर जो बीमारियां हैं, यानी कि सिर्फ इसकी जिस्मानी बीमारी नहीं, जो हमारी रूह बिगड़ने की बीमारियां हैं, उसके ऊपर उलमा और सारे सोशल वर्कर हजरत और सियासतदानों पर उम्मीद नहीं है, भरोसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम देखो, हमारे सियासतदान बोलकर गए तो काम नहीं हो रहा है। अब गैर सियासतदान हिंदू भाई आए, उनसे तो काम बड़े बड़े काम ले चुके हैं, अब उनको भी एहसास दिलाना है कि हमारे लीडर हैं, क्या करना है सारे उलमा मिलकर। ये जिम्मेदारी हमारा माशरा है, बच्चों के माँ बाप हैं, बाद में बाहर बच्चों के माँ बाप हैं, लेकिन ये एक मैं बात कहना चाहता हूँ, पहले हम लोग हमारे बचपन में सुनते ही माँ मर गई बोलकर सुनते थे, ये बच्चे उसकी उनकी अम्मा मर गई बोल के, लेकिन आज का जो दौर है 15 साल में जो बिगड़ का है दौर, उसमें बाप मर रहे हैं, सबसे ज़्यादा बाप मर रहे हैं। क्यों बोले तो माँ 9 महीने पेट में रखो पाल को पैदा कराती है, बाप सारी जिंदगी अपने दिमाग में रखो पालता है, जो उसका जहन वो बच्चे को सुधारता एजुकेशन के ऊपर खर्च करता थक जाता है, माशे अपने घर परिवार को पालता थक जाता है, उसके बाद जो होता है बच्चा, अल्लाह ना करे बच्चा 13 साल का बच्चा रहे, 16 साल का बच्चा रहे, 18 साल का बच्चे एक ड्रग्स की ये नशे की हालत में चला गया या नशे की लत लग गई, उस वक्त जो बाप के ऊपर जो ये होता है वो बच्चे को कुछ असर नहीं होता कोई माशरा कहे, लेकिन बाप बार बार मरता है, जब जब उस बच्चे को पूछते हैं तो बाप यहाँ पे मरता है। अब बापें जो मरने लगे हैं, इसके ऊपर काम करना है सारे बच्चों के बापों। इमरान साहब, ऐसे खुसूसन नशे के सिलसिले में जो बातें होती हैं वो एजुकेशन की कमी, उनके अंदर नॉलेज नहीं, इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं। जितना तबका आज ड्रग्स की लत में मुब्तला है, इलीगल एक्टिविटीज़ में है, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स हैं जी, जो ऐसी बीमारियों में मुब्तला हैं, तो ये जो बहाना किया जा रहा है एजुकेशन की कमी के बुनियाद पर ये सब चीज़ें हो रही हैं, कहाँ तक सही समझते हैं? ये जो है सिर्फ ख्याली बातें हैं, क्योंकि आज के वक्त में मैं ये हर तबके को देख रहा हूँ कि इसमें मुलविज़ है, ड्रग्स में मुलविज़ है, कोई एक तबका इससे बचा हुआ नहीं है, चाहे वो लॉयर्स हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे कोई महकमा हो, हर कोई जो है इसमें मुलविज़ है। तो कैसे रोकथाम? अब इसकी रोकथाम अगर हम तो ये जो कंफ्यूज किया जा रहा है एजुकेशन की कमी के बेस पर बोलकर, ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है। जी जी, गलत इल्ज़ाम है, और जो है आप जो है सिर्फ एक एरिया टारगेट कर रहे हैं। आज बेंगलुरु का कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां पे ड्रग्स मिलता नहीं है, तो ये सिर्फ खाली एक एरिया टारगेट करा जा रहा है कि गोरीपाड़े में मिलता है,
डीजे हडली में, हाँ यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्राइम ज़्यादा है, ये बच्चों की तादाद ज़्यादा है, यहाँ फैल रहा ज़्यादा, वो हम लोगों को दिख के आ रहा है कि भाई यहाँ एजुकेशन की कमी की वजह से ड्रग्स ज़्यादा हो रहा है। रोकथाम के सिलसिले में पुलिस अगर संजीदा एकदम करे तो रोकथाम हो सकती है जी, तो जी। पुलिस इस मामले में किस हद तक जिम्मेदार समझते हैं आप इसके फैलाव में? मैं आपके तरफ से जो है मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग इसके ऊपर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने से अच्छा है हम सब मिलकर काम करें। अगर हम ये चीज़ को जो है अब इससे पहले हम जो है इतना गौर से नहीं फिक्र कर रहे थे, जिसकी वजह से ये आज इतनी तादाद में बढ़ता चला जा रहा है। आज से पहले भी ड्रग्स था मगर वो ऐसे तरीके का ड्रग्स नहीं था जिससे जो है बच्चों की जान जा रही थी, और ऐसे तरीके का ड्रग्स नहीं था जिससे माँ बाप को जो है बच्चे मार रहे थे। आज ये ड्रग्स जो है इतना बुरा असर कर रहा है कि वो बच्चे जो है माँ बाप को माँ बाप ही नहीं समझ रहे, सिर्फ उनको पैसा चाहिए और वो ड्रग्स लेना चाह रहे हैं, बस ये ड्रग वो सिर्फ वो वक्त पे उसको पैसा चाहिए और वो ड्रग्स करना है।